वैसे तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि श्रीलंका में नाइट लाइफ भी होगी, लेकिन मुझे एक नाइट लाइफ मिली और इस वीडियो में आपको वही दिखाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो रात के 12 बज रहा हूँ, अभी मैं पानी भरने गया था नीचे रिसेप्शन पर, तो उन्होंने बोला कि आप चले जाइए पास में, बीच पर ही कुछ सॉन्ग्स और क्या डीजे होता है तो वो देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि अच्छा, एक बार आप जा सकते हैं, तो ठीक है भाई, टूर वहाँ पर भी ले लेते हैं। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ, पास में ही बीच है, वहाँ पर देख के आता हूँ। और अभी बज रहे रात के 12। पहुंच गए यहाँ पर, यहाँ इसको हो रहा है, देखते हैं। तो यही हो रही है यहाँ पर पार्टी, यही है इसकी नाइट लाइफ, और ये लगभग 4 बजे तक चलेगी सुबह तक, ऐसा बोलना है लोगों का। अंदर आने पर वो एक आईडी कार्ड पूछते हैं, तो मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया था। और ये मेरे हॉस्टल के जस्ट बगल में ही है, मतलब 5 मिनट की वॉक पर है। और रात भर चलता है, आप दारू चुट्टा जो भी मार लो, आप मार लो वीड, और सब लोग गांजा पी पी के पड़े हुए हैं, पूरा महक रहा है। लेकिन मैं इन सब में इंडल्ज नहीं हो रहा हूँ, मेरे को कल सुबह उठना है अपने शो के लिए, वेल वॉचिंग जो होने वाला है प्रोग्राम, उसके लिए उठना मुझे। और लाइटिंग भी अच्छी आ रही है समुद्र पे। बस यही है यहाँ की नाइट लाइफ, छोटी सी नाइट लाइफ लेकिन अच्छी है काफ़ी। और यहाँ सब कुछ इंतजाम हो जाएगा, तो बस इतना ही यहाँ पर याद रखें कि आने से पहले एक आईडी जरूर रख लें, बस इतना ही है यहाँ का। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या नज़ारे हैं।
ये थी मिरिसा की छोटी सी नाइट लाइफ। खैर है तो छोटी सी लेकिन काफ़ी अच्छी है, और जो लोग यहाँ स्टे कर रहे हो तो वो मेरे हॉस्टल में भी रह सकते हैं, क्योंकि मेरे हॉस्टल से ये जगह सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। रात के अभी 1 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपने हॉस्टल में, क्योंकि कल मुझे जाना वेल वॉचिंग टूर के लिए। तो अभी बस आज के लिए इतनी नाइट लाइफ, बाय बाय। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना भाई वीडियो को, काफ़ी मेहनत किया है यार इसको बनाने के लिए, लाइक कर देना। तो भाई श्रीलंका की नाइट लाइफ देखने के बाद अब मिरिसा की रोड को भी देख लें। रात के 1 बजे पूरा पीछे अंधेरा है, पूरा इस तरफ अंधेरा है, पूरा अंधेरा ही है। हाँ लेकिन यह कि ऑटो मिल जाएगा, अगर जैसे किसी को अगर अपनी सेफ्टी का इशू हो तो वो ऑटो ले सकता है, जो कि यहाँ टुकटुक बोलते हैं ऑटो को, तो टुकटुक अवेलेबल है वहाँ पर उस पब के बाहर। मिरिसा अच्छी जगह, मिरिसा आप आ सकते हो, 1 दिन के लिए काफ़ी रहेगा। मिरिसा में आप डाइविंग भी कर सकते हो, वेल वॉचिंग टूर है, स्नॉकलिंग का भी शायद एक टूर है कुछ, एंड यहाँ पर एक तो नाइट लाइफ हो जाएगा, ये भी एक पॉइंट हो जाएगा आपका। और फिर यहाँ से गॉल और बेंटोटा और डिकवेला, ये सब ज़्यादा दूर नहीं है, सब 1-1.5-2 घंटे के रास्ते पे ही है, तो इसको भी अपना बेस पॉइंट बना के आप 1-2 घंटे के लिए बस पकड़ो सुबह, घूम के रात में आ जाओ यहाँ पर, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। तो ये रात 1 बजे का रास्ता कुछ ऐसा सुनसान हो गया है, लेकिन जहाँ पार्टी हो रही है वहाँ पर बहुत चहल पहल है, लेकिन यहाँ रास्ता एकदम सुनसान है।